हाय एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एक्सटेंडर, जो अमेजिंग इंडिकेटर है जो आपको मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड क्या है वो आपको बता देता है, राइट? तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक। थोड़ा गला बैठा हुआ है, माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों, पर वीडियो तो बनाना ही बनाना है, राइट? तो चलिए, ये इंडिकेटर आपको कहाँ से मिलेगा? फॉलो माई स्टेप्स, जस्ट नीड टू टाइप एक्स ट्रेंडर। देखिए यहाँ पे बी एक्सटेंडर एट पॉजिटिवी, जो यहाँ पे कौन थेरेपी ने ऑथर है, जिन्होंने बनाया हुआ है, तो उनको शुक्रिया। ओके, तो यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने। अभी बाय डिफॉल्ट हम ऐड करेंगे, इसके जो क्या पार्ट है मैं दिखा देता हूँ। बी एक्सटेंडर, ऑसिलेटर, हिस्टोग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आपको रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रखना है तो उसे मूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सटेंडर शेडोज भी है, एक्सटेंडर कलर भी है। ओके, तो मैं आपको पहले बता दूं, राइट, ये अपनी एक्सटेंडर लाइन है, ये वाली जो है वो। ओके, और ऊपर आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये वाली, वो हमारी लाइन है बी एक्सटेंडर ट्रेंड लाइन। ओके, सो ऐसे रिमूव और वापस ऐड करके भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन क्यों बनी हुई है, उसका नाम क्या है। ओके, तो चलिए, जो हमारी मेन लाइन है वो एक्सटेंडर लाइन है और ये अपनी ट्रेंड लाइन है एक्सटेंडर की। ओके, सो यहाँ पे इनपुट्स, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है वही हमने रखा है, और वो कैसे बनाया गया है, क्या है, तो उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए, अभी बैंक निफ्टी की बात करें तो आपको मेजर ट्रेंड माइनर ट्रेंड कैसे डिफाइन करना है, ओके, दिखा देता हूँ मैं। ओके फाइन, तो ये अपनी जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ से लेके अब तक डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि जीरो के, ये अपनी जीरो लाइन है, राइट? तो जीरो लाइन के ऊपर ही है, राइट? तो जब तक ये जीरो के ऊपर है तब तक, टू मिनट्स फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ से लेके अब तक। ओके, वो कलर सेम है इसलिए दोनों का, राइट? तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो मेजर ट्रेंड है वो क्या है, पॉजिटिव। और माइनर ट्रेंड के लिए आप इसको देख सकते हो, जब भी ये जीरो के ऊपर हो तब जो ग्रीन एरिया है वो कह सकते हैं कि वो मेजर बन जाएगा, राइट? तो मेजर ट्रेंड, दोनों ट्रेंड, यानी मेजर ट्रेंड जो ये अपना जो लाइन है वो मेजर ट्रेंड के लिए बना हुआ है, और ये जो अपनी लाइन है, वन मिनट फ्रेंड्स, मैं इसको ले देता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, ये अपनी लाइन जो है वो मेजर ट्रेंड डिफाइन करती है, राइट? और ये वाली माइनर ट्रेंड। पर जब ये भी ग्रीन हो और ये भी ग्रीन हो तो अच्छा खासा ट्रेंड आपको मिल सकता है, राइट? ओके, यहाँ पे सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं बता देता हूँ, कि जब भी ये एक्सटेंडर अपनी जो ट्रेंड लाइन है वो इसके ऊपर हो, ये वापस क्यों चली जाती है, वन मिनट फ्रेंड्स, ये वाली देखिए, यहाँ पे ट्रेंड कौन सा है, तो वो है पॉजिटिव, राइट? ये देखिए, ये एरिया में, ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग फ्रेंड्स इन ट्रेडिंग यू, वन मिनट। चलिए मैं रेक्टेंगल ट्राई करता हूँ। ओके, वो भी नहीं हो रहा है अभी फिलहाल, ठीक है, कुछ होगी दिक्कत। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है वो अपना मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, राइट? और यहाँ पे माइनर ट्रेंड नेगेटिव था, फिर माइनर ट्रेंड भी यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है, तो दोनों अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो अच्छा एरिया यहाँ पे कंसीडर हो सकता है, राइट? सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है, जब भी ये अपनी जो ये वाली लाइन है वो जीरो के ऊपर हो, दैट टाइम वी शुड फॉलो द ग्रीन लाइन ऑनली, ग्रीन एरिया। ओके, सबसे बेस, यहाँ पे ग्रीन डॉट भी दिए गए हैं, वो आपको बता देता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है, राइट? सो बेस्ट है। और देख लेते हैं कि इसमें नेगेटिव सिग्नल्स कहाँ पे मिले थे, जब लॉकडाउन वाला जो एरिया था, राइट? तो देख लेते हैं, वो एरिया स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये जीरो के नीचे था, राइट? और ये भी अपनी लाइन थी एक्सटेंडर, वो भी नेगेटिव थी, तो ये एरिया में आपको स्मूथ डाउनफॉल मिलेगा, जब दोनों ये जीरो के लाइन के नीचे आप जब भी देखते हो ये वाला अपना ट्रेंड लाइन, और उस टाइम पे आपको ये एक्सटेंडर रेड दिखता है, तो वो जो है वो फुल नेगेटिव ट्रेंड बन जाता है, राइट? ओके, सो क्लियर हुआ फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए, ये बुलिश ट्रेंड है, राइट? तो यहाँ पे आपको सिर्फ ग्रीन कैंडल, अपनी जो एक्सटेंडर लाइन है उसका ग्रीन एरिया ही फॉलो करना है, राइट? दैट टाइम रेड जो पोर्शन है उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। चलिए और कोई एग्जांपल देखते हैं, निफ्टी का देख लेते हैं।
अभी बताया दोस्तों निफ्टी में कौन सा ट्रेंड है, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि मार्केट बबल है, अब तो खत्म हो गया, अब ओवरबॉट है। तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देगी आपको, यहाँ पर अपनी लाइन जीरो लाइन के ऊपर एंटर हुई थी अपनी, ये जो एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन है, ओके। तो वहाँ से लेके आप देखो तो फुल पॉजिटिव जोन था, और वहाँ पे और कॉन्कर होना है आपको। तो जब जब ग्रीन लाइन आपको मिलती है तब आपको पता चलेगा, और यहाँ पे जब भी अपनी एक्सटेंडेड लाइन रेड होती है तो उतना मज़ा नहीं आता है, साइडवे हो जाता है, क्योंकि जो मेजर ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और माइनर ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन मेजर और माइनर दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं तो देखिए राइट, तो और मज़ा आता है। फाइन, सो ट्रेड विद द ट्रेंड, ओके, राइड द ट्रेंड, ओके। बाकी सब बातें छोड़ दीजिए कि क्या होने वाला है, क्योंकि डरना मना है, डरते रहेंगे तो फिर होगा शायद 20,000 निफ्टी हो जाए, तब हिम्मत जुट जाए राइट। तो ऐसा नहीं करना है, आप देख लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री में भी दोनों लाइन जीरो के ऊपर है, तो यानी और दोनों ग्रीन है, तो फुल अप ट्रेंड है। चलिए यस बैंक देख लेते हैं, वैसे देखने लायक कुछ है नहीं उसमें। देखिए जिसका मेजर ट्रेंड है नेगेटिव राइट, माइनर ट्रेंड है पॉजिटिव, तो आपको यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर जैसे ही अपना मेजर ट्रेंड नेगेटिव है और माइनर ट्रेंड भी नेगेटिव हो जाता है, तो वहाँ से उसका रिवर्स टाइम शुरू हो जाता है, आप देख सकते हो। अब रही बात ट्रेड की, तो ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो हम हमारे हर वीडियो में ट्राई करते हैं कि कवर करें। तो जहाँ से ये दोनों ट्रेंड नेगेटिव हो गए तो उसका लो हमारा एंट्री प्राइस बनता है 12.80, 13.05 उसका स्टॉप लॉस बनता है राइट हम, ओके। और एग्जिट करने के लिए सिंपल ये अपनी जो एक्सटेंडर लाइन है वो जब भी ग्रीन होती है उसका हाई बनता है अपना एग्जिट पॉइंट राइट, और सेम वे हम बाय में भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ स्टॉक्स में, बाय का एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी में ही देख लेते हैं, वैसे तो मैं यूनिलीवर में पॉजिटिव ट्रेंड है, चलिए निफ्टी में दिखाता हूँ। निफ्टी में आप देखिए यहाँ पे मेजर ट्रेंड अपना अप है, ओके। फिर यहाँ पे रेड एरिया था तो उसमें कुछ नहीं करना है राइट, वापिस मेजर ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड हो गया, तो यहाँ से अपना बाइंग का एरिया जो है वो शुरू होता है ये वाले एरिया से राइट, और उसी का लो अपना बनता है स्टॉप लॉस ये वाली ग्रीन कैंडल का, ठीक है ये वाली, ओके। और उसे कब तक होल्ड करना है, तो ये वाली अपनी एक्सटेंडर लाइन जब तक रेड नहीं हो जाती है जो कैंडल में, ओके, जो भी कैंडल में ये रेड हो जाएगी, इट टर्न्स इनटू द रेड, और उसका जो लो रहेगा दैट विल बी द आवर स्टॉप लॉस। सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर राइट, जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे उनको मेजर ट्रेंड माइनर ट्रेंड सब पता चल जाए, ओके। और डरना, जो डर रहे हैं तो वो जो फियर फैक्टर है वो भी हम डिलीट कर सकते हैं उनके माइंड से। तो आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।